तो दोस्तों ये प्योर मीट खाने वाला पक्षी है दोस्तों, चील पक्षी, बहुत ही खतरनाक किस्म का पक्षी दोस्तों। और इस पक्षी का पार्ट 5 मैं कंप्लीट करने वाला हूँ दोस्तों। सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग सभी, आई होप कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे और खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं रैप्टर्स बर्ड इंफॉर्मेशन, और आपको किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में और बहुत सारे चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप लोग रैप्टर्स बर्ड इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग बर्ड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो लाते रहते हैं। तो आज की जो वीडियो दोस्तों, ब्लैक कैट पार्ट 5 है दोस्तों। ये पार्ट 5 है दोस्तों क्योंकि मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ दोस्तों ब्लैक कैट के बारे में। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे हम इस पक्षी को चील कहकर बुलाते हैं दोस्तों, हम इस पक्षी को चील कहते हैं, और ये अपने पंखों को फड़फड़ाकर बहुत ही ऊपर चल जाता है दोस्तों। और इस पक्षी की पूंछ की शेप अंग्रेजी के वी शेप में होती है दोस्तों, एक बात हम जान लीजिए। और जो बाज रहेगा दोस्तों, ईगल जिसे इंग्लिश में गरुड़ कहते हैं, उसका पूंछ गोल रहता है दोस्तों, और इसका अंग्रेजी का वी शेप में रहेगा दोस्तों, ट्रायंगल का शेप में। तो ये दोस्तों काइट बर्ड, और ये 2 से 3 अंडे देती है दोस्तों अपने घोंसले में। और जब ज़्यादातर सभी पक्षियों का जो ब्रीडिंग सीज़न जो चलता है, सभी पक्षियों का ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है दोस्तों मार्च से अगस्त तक रहता है दोस्तों इस पक्षी का ब्रीडिंग सीज़न। और मार्च से बाकी सारे पक्षियों का भी ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है, मार्च से अगस्त सितंबर तक रहता है दोस्तों। बहुत ही सारे पक्षी बच्चे देना शुरू करते हैं, और ये पक्षी दोस्तों जो आम हमें अपने घर आसपास मंडराते हुए दिख जाएगा दोस्तों अपनी शिकार की तलाश में। ये दोस्तों ये उतने हंटिंग में मास्टर नहीं होते दोस्तों। ये स्मॉल इंडियन काइट है दोस्तों, मध्यम आकार का आर्द्रामिक चिड़िया पक्षी है दोस्तों, मीडियम साइज का प्रेडेटर बर्ड है दोस्तों, और ये प्योर कार्निवोरस है दोस्तों, बहुत ही इसे मुर्दाखोरी करना बहुत पसंद है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों इनकी काफ़ी सारी प्रजातियां पाई जाती है दोस्तों, पूरे इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं दोस्तों। और स्नेल कैट्स बस स्नेल खाती है दोस्तों, बहुत सारी 25 प्रजातियां होती है दोस्तों इसके स्नेल कैट्स, जैसे कि स्नेल कैट्स, फिर लिजार्ड कैट्स, और बहुत सारी प्रजातियाँ इसका एवेंजर्स होती है दोस्तों, इनकी मुर्दाखोरी भी कर लेती है दोस्तों। ये ज़्यादातर छोटे चिड़िया चूहे का शिकार करती है दोस्तों, और चमगादड़ों का भी करती है, छोटे चिड़िया चमगादड़ और चूहे का शिकार करती है दोस्तों, और मुर्गी के चूजे वगैरह होते हैं दोस्तों, उनको भी कभी कभार ले जाती है दोस्तों उठाकर और खा लेती है। और दोस्तों कहीं से भी ये कौओं से छीन लिया वैसे वो गुजारा करती है दोस्तों, ये उतने हंटिंग में मास्टर नहीं होते जैसे ईगल और गरुड़ होते दोस्तों, वैसे ये नहीं होते दोस्तों, ये नहीं है दोस्तों इसके बहुत सारे प्रजाति होते हैं दोस्तों, स्नेल कैट्स, लिजार्ड कैट, वाटर स्नेक कैट, फिश कैट। तो मैं आपको प्रजातियां भी दिखा देता हूं दोस्तों इनकी। तो दोस्तों इस पक्षी का जितने भी प्रजातियां होती है मैंने इस लिस्ट में मेंशन कर रखी दोस्तों काइट्स, तो देख सकते दोस्तों इतनी प्रजातियाँ होती है, रेड कैट, ब्लैक कैट, कुबन कैट, ब्लैक शोल्डर कैट, वाइट कैट, कुल 25 प्रजाति है दोस्तों इस चील की। इसे काइट मतलब चील ही होता है दोस्तों, बैट हॉक, फिर पीरियल कैट, कुबन कैट, इसी तरीके से होता है दोस्तों। और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताने वाला दोस्तों इसके बारे में। तो दोस्तों आपको पता चला कि इस पक्षी का नाम चील क्यों है दोस्तों? तो इस पक्षी का नाम चील इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये चीं करते रहता था दोस्तों, बस चूहे की चीख जैसे दोस्तों इसकी आवाज़, इसलिए चीं करते रहता था, इसलिए इसका नाम चील रखा गया दोस्तों। और आपको क्या दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा पक्षी दोस्तों, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों, और इस पक्षी के पंजे उतने मजबूत नहीं होते जितने बाज के होते, जितने गरुड़ के होते, उकाब के होते,
उतने मजबूत नहीं होते दोस्तों, और ये ज़्यादातर मुर्दाखोरी करते दोस्तों, ये बड़े पंछियों को नहीं मार सकते दोस्तों, बड़े पंछी इसके बस के बाहर से हैं, ये बड़े पंछियों को बिल्कुल नहीं मार सकते। ये स्मॉल इंडियन कैट है दोस्तों, ये मीडियम साइज का पक्षी दोस्तों, जो मुर्दाखोरी करता है, और ये अपने आतंक फैला रखा है दोस्तों बहुत ही। ये गर्म जगह में ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों, और इसका पक्षी का जीवन काल 30 साल से ऊपर तक है दोस्तों। कुछ काइट्स ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो 40 साल तक भी जी जाते हैं दोस्तों। तो रेड कैट जिसमें होते हैं दोस्तों वो 40 साल तक जी जाता है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस पक्षी को काफ़ी सारे लोग बाज बना देते हैं, यार ये तो बाज है। और दोस्तों इस पक्षी के बारे में काफ़ी सारे अफवाहें फैली हुई दोस्तों, कि ये आँख निकाल देती है, आँख फोड़ देती है, इस तरह से अफवाह नहीं फैलाया करें दोस्तों, अफवाह नहीं फैलाया करें। ये बहुत ही खूबसूरत सा पक्षी है दोस्तों, इस तरह से अफवाह नहीं फैलना चाहिए दोस्तों। पालने का कुछ भी पला जाता है दोस्तों, मगर इंसान मुर्गी पालते हैं, मुर्गी के चूजे पालते हैं, गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, ये सब पर कोई इंटरेस्ट नहीं दोस्तों। वाइल्ड एनिमल्स भी पाल सकते हैं दोस्तों आप, ऐसा अफवाह नहीं फैला करें दोस्तों कि ये आँख निकालती है। बहुत ही खूबसूरत सा पक्षी है दोस्तों, और ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों कि वो पालने से सांप आता है, वो पालने से बला आता है, ये सब खराब बात है दोस्तों, फेक बात है। तो मैना पालने से सांप आता है, ये सब बहुत ही तमीज बात है दोस्तों। तो इस पक्षी का कंप्लीट हो गया दोस्तों पार्ट 5। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहे रैप्टर्स बर्ड इन्फॉर्मेशन।